हे गाइस, वेलकम टू द फिल्म सीस। मेरा नाम है दृष्टांतो। ये वीडियो मेरे चैनल पे बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे चैनल पे हम उस व्यक्तित्व से बात करने जा रहे हैं जो इंडियन सिनेमा में एक बहुत बड़ा छाप रखते हैं, जो लगान, गंगाजल, गैंग्स ऑफ बासेपुर, सिंह इज किंग इन जैसी फिल्मों से हमारे घर घर में घुस चुके हैं। और अब उनका एक फिल्म आ रहा है जिसका पूरा क्रू है बंगाली। उस फिल्म का नाम है छिपकली, जिसका ट्रेलर, गाना सबको बहुत पसंद आया था। तो वेलकम यशवंत शर्मा सर। नमस्कार, थैंक यू। सो सर, छिपकली के बारे में कुछ बताइए। छिपकली आपने रसोई घर में देखी होगी, अपने घरों में देखी होगी। अब सिनेमा हॉल में आओ, दिखाते हैं आपको छिपकली। और छिपकली नाम सुन के डरिएगा मत, क्योंकि ये छिपकली वो लिटरल छिपकली नहीं है, सिर्फ सिंबल है कि हम जो भी काम करते हैं, हम जहाँ भी अपने घर में चाहे कोई ना हो, जब हमें लगता है कोई नहीं देख रहा है तो somebody is watching, यही इसका एक प्रतीक है छिपकली। तो वहाँ कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, कुत्ता बिल्ली भी हो सकते हैं, हो सकता है मकड़ी हो सकता है कबूतर हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए थर्ड पर्सन, इसलिए फिल्म का टाइटल भी है छिपकली द थर्ड पर्सन। तो इट्स अ सिंबल, somebody is watching। तो सर, एक जो टैग लाइन है थर्ड पर्सन, आप भी कह रहे हैं थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन इस कहानी से कैसे जुड़ा हुआ है? इस पूरी कहानी में ही थर्ड पर्सन का जिक्र शुरू से आखिर तक है। और ये एक ऐसा करेक्टर है जो मानता है कि जिसके लिए जो थर्ड पर्सन का बहुत केयर करता है। अब थर्ड पर्सन कौन है वो फिल्म देख के पता चलेगा क्या है उसके बारे में, क्या कि कई लेयर्स हैं एक्चुअली। एक बात बोल करके मैं ख़त्म नहीं कर देना चाहता। जिस तरीके का ये करेक्टर है आलोक चतुर्वेदी, ये बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ लिखा गया है, और इतना पढ़ लिखा गया है कि ये लोगों के, दलितों के बारे में, गरीबों के बारे में, दहेज पीड़ितों के बारे में, उस सब ऐसे ऐसे विक्टिम लोगों के बारे में जो बहुत उनका केयर करता है, उनके बारे में लिखता है, उनके बारे में उसका सॉफ्ट कॉर्नर है, चाहे वो मार्केट में हो, चाहे वो कहीं भी, दुकान वाले, मूंगफली वाले, सब्जी वाले, ये वाले, मूर्ति बनाने वाले, सब, तो उनकी कथा लिखता है ये, जबकि कोई नहीं लिखता है। सबको बिकाना चाहिए, हिट चाहिए सबको, और ये इसका हिट का इसका फॉर्मूला अलग है। बोला मुझे हिट नहीं, मुझे काम अच्छा करना है, मुझे किसी की चापलूसी नहीं करनी है, मुझे चाटुकारिता नहीं करनी है, मुझे, मेरी कलम बिकाऊ नहीं है। इस तरीके का एक करेक्टर है जो किस तरीके से अपनी फ्रस्ट्रेशन में जी रहा है, और कैसे उसको पता लगता है धीरे धीरे हमको कि उसने वाइफ का और बेटे का मर्डर किया हुआ है। तो वो बस गुत्थी सुलझाने की ही कहानी है, तो क्या है कैसे है। सर, इस फिल्म का जॉनरा क्या है? क्योंकि जब मैंने ट्रेलर देखा था, मुझे लगा था कि एक थ्रिलर है, उसमें कमर्शियल एंगल भी है, और आप कहे थे कि ट्रेलर लॉन्च में कि एक वो फिलोसॉफिकल थ्रिलर है, तो एक्चुअली ये किस जॉनरा का फिल्म है? नहीं, द फिलोसॉफिकल थ्रिलर इज़ द राइट वर्ड जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर किताबों का बहुत जिक्र है, फिलोसफीज का बहुत जिक्र है, और स्पिरिचुअलिज्म का बहुत जिक्र है। तो ये उन सब चीज़ों को इकट्ठा लेकर के चलती है, और फिल्म भागती है। फिल्म हर बार ऐसा लगता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, ओ माय गॉड, अच्छा ऐसा है, ऐसा होगा, देखना ऐसा होगा, लेकिन अरे ये तो ऐसा नहीं हुआ, कुछ और हो गया, अच्छा तो ऐसा होगा, अरे बाप रे वैसा भी नहीं हुआ। तो तेरा सरप्राइज एलिमेंट, सरप्राइजिंग एलिमेंट जो एक फिल्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, एक तो प्याज की तरह परत खुलना, एक परत उतारा दूसरा, दूसरा उतारा तीसरा, चौथा, ऐसा ऐसा परतों की तरह खुलता है फिल्म। और एक उसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि, और एक एक्साइटमेंट बना रहे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अच्छा इसका ये वो, ये सवाल अंदर खड़े होते हैं ना जब देखते हुए, देन योर फिल्म इज सक्सेसफुल। सर, इस फिल्म के जो डायरेक्टर है कौशिक दा, उनका ये पहला फिल्म है, तो उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? मैं बोल रहा हूँ, कई अभी बोल रहा कई बार कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मैं कहूँगा इस काम को, क्योंकि कुछ ही डायरेक्टर मिले हैं मुझे जो काम आएंगे, उनके भी अभी आए नहीं हैं, ऐसे डायरेक्टर जो इतनी क्लियर क्लैरिटी हो उनके दिमाग में कहानी को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, कथा को लेकर के, और पूरे डिज़ाइन को लेकर के, जिसके अंदर क्लैरिटी हो बिल्कुल, जिसको आँखों से दिख रहा हो, दैट इज़ कौशिक दा।
तो ही वॉज जस्ट ब्रिलियंट एंड दिखावा नहीं है, दिखावा नहीं है कि मैं दिखा देखो मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा नहीं है. ही इज उसने जो जिस वो अपना काम जानता है तो इसलिए उसको मालूम है सौरभ बनर्जी से कैसा काम लेना है, डायरेक्ट क्या डायरेक्ट करना है कैमरा को, किस तरीके से संजीत हल्दर को डायरेक्ट करना है, कैसा ये चाहिए गार्गी चौधरी को कैसा करना है, कैसा वो पवित्र जाना को क्या कहाँ से क्या चाहिए. तो डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उसको बताना है अपनी डायरेक्शन में संबदीप चौधरी को या इशिता सोम को या कोंकणा हल्दर को या तनिष्ठा को, कैसे तनिष्ठा को एक्ट करना है, कैसे असिस्ट करना है ये वो. एंड देर आर तनिष्ठा का तो खैर पूरा प्रोजेक्ट में ही बहुत बड़ा हाथ वो है. मीमो को, मीमो इज़ द प्रोड्यूसर एंड म्यूजिक डायरेक्टर. कैसा सोहम मजूमदार ने गाना लिखा है, देखिए टीम इतनी स्ट्रोंग बनी है ना, कमाल का लिखा, कमाल का कैमरा, कमाल का ये सब कुछ के, लेकिन अगर हमारा प्रोड्यूसर ना मिले तो फिर सारा सब बेकार है, फिर वो जंगल में मोर ना था किसने देखा टाइप बात है. तो मीमो को उस बात के लिए सैल्यूट है. स्वर्णदीप एंड सर्वेश और प्रसून और मीमो, ये चारों की टीम कोशिश करके साथ लगी हुई है जो कैसे रिलीज करना है कैसे नहीं करना है. सो थैंक यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एंड माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज देयर. Thank you.